नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्थ ऑफ शर्मा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके पोर्टफोलियो में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि हो, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज हम कुछ वैसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। पहला स्टॉक सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, करेंट प्राइस 149 रुपीज़। यह स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और अभी आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत ज़ोरों से होने वाली है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी के ऊपर अभी से हम फोकस कर सकते हैं। इसके साथ ही में टाटा स्टील लिमिटेड, करंट प्राइस 175 रुपीज़, यह भी बहुत बेहतरीन स्टॉक है। इन दोनों स्टॉक के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ सारे एजुकेशनल पर्पज़ से है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस और साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विमर्श करके, उनसे एनालिसिस करके ही किसी भी स्टॉक में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। यह स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और सभी देश क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, यह कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सभी उन कंपनी को फंड प्रदान करता है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करते हैं, जैसे रेलवे के लिए IRFC कंपनी जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन काम करता है। रेलवे से रिलेटेड जितना प्रोजेक्ट होता है उनको फाइनेंस करता है। सेम इरेडा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है। फ्यूचर में यह कंपनी अच्छा कर सकता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इसको रखना चाहिए। नेक्स्ट फूडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, करेंट प्राइस 280 रुपीज़। यह कंपनी का काम क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सस्ते दाम पर घर बनाकर सेल करता है और सरकार के द्वारा जहाँ पर फ्री में मकान बनाकर दिया जाता है वैसे घर का निर्माण यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इसके साथ ही में एक और कंपनी है NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, करेंट प्राइस 157 रुपीज़। यह भी स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। ये पांच कंपनी आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, इसलिए अभी इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और मार्केट में अभी काफ़ी अप एंड डाउन करेक्शन चलते रहेगा, लेकिन अच्छे कंपनी को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ऐसे कंपनी को निकालने से पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए, अगर इसको आप सेल कर देते हैं और फिर इसको ग्राउट में बाई कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। फ्रेंड्स, अगर ये मैं वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।